तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें है फॉर द मैट्रिसेस ए, यहाँ पे ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स हमारे पास दिए गए हैं। इनके जरिए हमने कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको वेरीफाई करना है। जिन क्वेश्चंस को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं उनमें कुछ लॉज हैं जो कि हमने पढ़े नहीं हैं अभी तक। आप लोग इन लॉज को शुरू में 6 से लेके 8 क्लास तक आप पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, ए प्लस सी इज इक्वल है सी प्लस ए के, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास लॉ है उसको कहते हैं इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, और उर्दू में इसको कहते हैं खासियत मुबादला बिलिहाज जमा। अब आप लोगों ने सेट्स में इनको पढ़ा है, और अब यहाँ पे ये मैट्रिसेस यूनिट में हमारे पास मौजूद है ये लॉज। हम इन लॉज को भी आइडेंटिफाई करते जाएंगे और साथ साथ हम इनको वेरीफाई भी करेंगे। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें ए प्लस सी की वैल्यू मैट्रिक्स लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ए प्लस सी है और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैट्रिक्स ए की हम लिखते हैं 1, 2, 3 फर्स्ट रो, 2, 3, 1 सेकंड रो, 1, -1, 0 थर्ड रो। इसी तरह से प्लस लगाते हुए हम सी की वैल्यू पुट करेंगे, -1, 0, 0 फर्स्ट रो है हमारे पास, 0, -2, 3 सेकंड रो, 1, 1, 2 यहाँ पे हमारे पास थर्ड रो है। इसी तरह से इज इक्वल, ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हम इनको दो हिस्सों में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सामने लिखूंगी क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए सबको समझ आ जाए। सी की वैल्यू दोबारा हम यहाँ पे लिखते हैं, -1, 0, 0, 0, -2, 3, 1, 1, 2 प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू दोबारा लिखते हैं, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, -1, 0। तो बच्चों यहाँ पे ये दो मैट्रिसेस हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है। बस बात इतनी है कि यहाँ पे अगर ए प्लस सी लिखा है तो नेक्स्ट अगले हिस्से में हमारे पास सी प्लस ए है, मतलब इनकी जगह जो है वो चेंज कर दी गई है। तो देखते हैं कि इनका आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे हम इसको प्लस करते हैं, 1 plus into -1, 2 plus 0, 3 plus 0, 2 plus 0, 3 plus -2, 1 plus 3 थर्ड रो में है, 1 plus 1, -1 plus 1, 0 plus 2। तो बच्चों एक बात का याद रहे कि जो मैट्रिक्स हमारे पास फर्स्ट नंबर पे मौजूद है उसका ही एलिमेंट हमने प्लस करते हुए फर्स्ट में लिखना है, और सेकंड एलिमेंट हम अगले मैट्रिक्स में से लिखेंगे जिसके साथ हम प्लस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट हिस्सा है यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, और इनवर्स साइन की वजह से यहाँ पे 0 आएगा, 2 और यहाँ पे 3। सेकेंड रो में 2 plus 0 आंसर 2 आएगा, 3 plus minus 2 है तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस होगा यहाँ पे 1 आएगा, 1 plus 3 4 होगा, 1 plus 1 2 होगा, और यहाँ पे -1 और 1 ये इनवर्स साइन के साथ ख़त्म हो जाएंगे, 0 आएगा, 0 plus 2 यहाँ पे 2 आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम अगले हिस्से को हल करेंगे, उसमें है -1 plus 1 ये है 0 plus 2, 0 plus 3, 0 plus 2, -2 plus 3, 3 plus 1, 1 plus 1, 1 plus -1, 2 plus 0।
तो यहाँ पे तो सेम एलिमेंट है लेकिन इनवर्स साइन की वजह से खत्म हो जाएंगे जीरो, जीरो प्लस टू टू आंसर आएगा, जीरो प्लस थ्री थ्री आंसर आएगा, जीरो प्लस टू टू, यहाँ पे माइनस टू प्लस थ्री थ्री में से टू माइनस होगा वन आंसर आएगा, थ्री प्लस वन फोर होगा, वन प्लस वन यहाँ पे टू होगा, और प्लस माइनस माइनस ये भी इनवर्स साइन के साथ ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पे ज़ीरो आएगा, टू प्लस ज़ीरो यहाँ पे टू आएगा। अब हम देखते हैं कि दोनों तरफ हमारा जो आंसर है वो सेम है तो तमाम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं, इस तरह से वेरीफाई हो गया है हमारा कम्यूटेटिव लॉ फर्स्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पे ये